नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के एक स्कूल का वीडियो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, जहां एक टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को उसके साथ ही पढ़ने वाले बच्चों से पिटवाया। आज इस नफरती टीचर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हम आपको इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का पूरा घटनाक्रम बताएंगे। घटना के बाद पीड़ित बच्चे ने क्या बताया, मुजफ्फरनगर के डीएम ने क्या कहा और पीड़ित बच्चे के पिता ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। पहले बच्चे की जवानी सुनिए कि क्या हुआ था। मैडम ने और क्या कहा था? इस मामले को MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए जाने पर ये मामला तूल पकड़ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग और मानव अधिकार आयोग को जमकर खरी खोटी सुनाई। ओवैसी ने पीड़ित बच्चे के पिता को फोन कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने बच्चे के पिता से बच्चे की पढ़ाई ना रोकने को कहा। ओवैसी ने कहा कि अगर वो चाहे तो हैदराबाद में बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। अगर मुजफ्फरनगर में भी वो किसी स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाना चाहे तो वो करवाएंगे। मामले की जानकारी देते हुए बच्चे के पिता ने कहा कि मैडम ने बच्चे पर जुल्म किया है और जब हम इसकी शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसा ही होता है। बच्चे के पिता ने कहा कि मैडम बच्चे को बार बार पिटवा रही थी। मेरा भतीजा किसी काम से स्कूल गया था, उसने देखा कि टीचर बच्चे को टॉर्चर कर रही है तो उसने वीडियो बना लिया। लड़की के पिता ने इस घटना के बारे में क्या बताया, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत ज्यादा नींद ने मानते हैं जी, मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं हुआ था। लेकिन बच्चे को एक घंटा दो घंटा टॉर्चर करना, 7 साल के बच्चे को, बहुत जोर पड़ा। उनसे यही बात हुई कि बच्चे की तालीम ना रोकियो, तालीम करवाइयो, और आप चाहते हो तो यहाँ हैदराबाद में बच्चे की तालीम करवाएंगे, ये बात हुई। जब भी चाहेंगे और यहाँ भी चाहेंगे, किसी भी स्कूल में वहाँ भी तालीम करवाएंगे। पार्टी पूरा खर्च होता है, वो तो उसे पता है जी। लेकिन इतना एक घंटा या दो घंटा बच्चे पे अत्याचार करना, कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास तो उसने उल्टा हमें निकाला कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर लिखा, जो अपराध करेगा उसे ठोक दिया जाएगा, ये आपकी नीति है ना, तो अब ऐसा क्यों कि पुलिस इस अपराधी को जाने दे रही है। इस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और उनकी नफरती सोच है। इस मुजरिम को शायद अब लखनऊ बुलाकर पुरस्कार से नवाजेंगे। पुलिस का काम है कि किशोर न्याय 2015 कानून के तहत सख्त कार्रवाई करें। ना जाने कितने मुसलमान बच्चे जिंदगी भर खामोशी से अपमान सहने के लिए मजबूर हैं। ये आम बात है कि मुसलमान बच्चों को स्कूल में जिहादी और पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। सरकार को चाहिए कि बच्चे के परिवार को मुआवजा दे और सुनिश्चित करे कि उसकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में हो। ओवैसी ने राष्ट्रीय बाल आयोग और मानव अधिकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बाकी जगह तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, यहाँ क्या हुआ, एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया, बच्चों पर जुल्म हो रहा है और पुलिस आरोपी को जाने देती है, ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने एक छोटी सी बात पर एक स्कूल पर बुलडोजर चलवा दिया था। यहाँ एक बच्चे को उसके मजहब के आधार पर पीटा जाता है और यहाँ एक कड़ी निंदा वाला ट्वीट तक नहीं आता। मुजफ्फरनगर के डीएम ने घटना पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया, उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है, तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए थेरिर देने के लिए एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह जो डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में थेरिर दे दी गई और थेरिर दर्ज भी हो गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।